वेलकम टू राहुल फोटो। मैं आपका टीचर राहुल और आज हमारी है बेसिक फोटोशॉप की तीसरी क्लास। आज हम सीखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट विथ कलर और भी बहुत कुछ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इमेज को फोटोशॉप के अंदर लेके आएंगे। लेने के लिए मैं फाइल में जा रहा हूँ, उसके नीचे ओपन लिखा है, ओपन में जाता हूँ। जहाँ मेरी फाइल है मैं वहाँ से पिक कर रहा हूँ, मेरी डेस्कटॉप पे है, आपकी जहाँ भी हो सकती है ड्राइव में है आप वहाँ पे इस्तेमाल करें। मेरी यहाँ फाइल है, मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ लिखा रहा है ओपन। मैं जैसे ओपन पे क्लिक करता हूँ मेरी फाइल आ जाती है। आने के बाद सबसे पहले आप इसकी डुप्लीकेट लेयर करेंगे। जैसा मैंने हमेशा पहले क्लास में बताया है कि डुप्लीकेट लेयर के ही थ्रू आप काम करेंगे, तो मैं डुप्लीकेट के लिए इस फाइल को पिक कर रहा हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ प्लस वाले पे, तो मेरी फाइल डुप्लीकेट हो जाती है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको सिंपली एक काम करना है। मैं जा रहा हूँ इमेज में, एडजस्टमेंट में, यहाँ लिखा होगा ब्लैक एंड वाइट, उसके आगे की कमांड दे रखी ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी, ठीक है, आप इससे भी लेके आ सकते हैं। मैं सिंपली इसको ब्लैक एंड वाइट करना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा विंडो आ जाएगी, उस विंडो में आपको अभी कुछ नहीं करना है, सिंपली इस पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी आपकी। ब्लैक एंड वाइट जैसी होती है इमेज, उसके बाद हम इरेजर टूल लेंगे। इरेजर टूल के लिए आप टूल बार में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पहला जो टूल है इरेजर, मैं उस इरेजर टूल को लूँगा, क्लिक करूँगा, ऊपर आ रहा होगा यहाँ पे ओपेसिटी फ्लो। फ्लो मेरा इस टाइम 22% है, तो मैं थोड़ा सा फ्लो बढ़ा देता हूँ और ओपेसिटी मैं 100 पर ही रखूँगा। रखने के बाद मैं इमेज को जूम करूँगा। जूम करने के आपके पास दो तरीके होते हैं, कंट्रोल प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड जो हमारा माउस के अंदर व्हील होता है हम उससे भी जूम कर सकते हैं। तो व्हील को मैं डाउन कर रहा हूँ और अप कर, ठीक है। मुझे इसकी ज्वेलरी में कलर चाहिए, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट तो कर दी लेकिन मुझे कलर चाहिए, तो मैं कलर के लिए रेजर टूल लिया हुआ है, मैंने ब्रैकेट से छोटा बड़ा करेंगे और बिल्कुल ध्यान से चलाएंगे इसको। यहाँ पे चला दिया ऐसे, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने चीज़ों को कैसे करा है इसके अंदर। देखिए, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम काम करते हैं हमेशा लेयर की डुप्लीकेट होनी चाहिए, और अगर हम इरेजर पे वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली बिल्कुल डुप्लीकेट होनी चाहिए। कोई चीज़ को कलर निकालना है, इवन हम कोई ब्राइटनेस भी बढ़ा रहे हैं, जब भी हम लेयर की हमेशा डुप्लीकेट होनी चाहिए आपकी। मैं चाहता हूँ कि स्किन थोड़ी डार्कनेस आ जाए, लिस्ट थोड़े ब्राइट हो रहे हैं तो मैं डार्क करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको एक काम करना है, अपनी जो लेयर है बैकग्राउंड वाली जो जिस पर लॉक लगाए मैं उसकी डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करने के लिए आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और शॉर्टकट की है कंट्रोल जे, तो डुप्लीकेट हो जाएगा, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप की करने की जरूरत नहीं है। डुप्लीकेट करने के बाद मुझे जाना होगा, इसकी डार्कनेस थोड़ी बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इमेज में जाऊँगा,
इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, लेवल और कर्व। अभी मैं कर्व ले रहा हूँ, इसके आगे कमांड लिखी हुई है कंट्रोल एम, ध्यान रखना है बिल्कुल। अब मैं इसमें डार्कनेस फील करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, इनको नीचे की तरफ लिखाऊंगा ग्राफ, मेरे को ज़्यादा हो गया तो मैं इतना रखूँगा, प्रीव्यू देख सकते हैं आप और ओके कर दें। मुझे इसी लेयर पे काम करना है ब्राइटनेस के लिए, इस पे नहीं काम करना है क्योंकि ये लेयर इरेज हो चुकी है। कैसे हुई है मैं दिखाता हूँ, मैं इसकी आई ऑफ करता हूँ, इसकी भी आई ऑफ करता हूँ और मेरा ये पार्ट इरेज है। इरेज क्या करता है, ट्रांसपेरेंट की बैकग्राउंड को लेके आता है, ठीक है जी। तो अब मैं इसकी आई ऑन, इसकी आई ऑन। अब मुझे इसमें थोड़ा वेडिंग स्टाइल देना है, वेडिंग जैसे आपने देखा होगा ब्लू सियान, तो उसके लिए मुझे टिंट कलर चाहिए होते हैं। टिंट कलर कैसे आते हैं, सेम वही जो मैंने अभी टेक्निक करी थी ब्लैक एंड व्हाइट करके, लेकिन हम टिंट करेंगे उसी विंडो के अंदर। तो सबसे पहले मैं इनकी आई ऑफ कर रहा हूँ, मेरे को इसकी डुप्लीकेट करनी है, तो आप सबसे पहले कंट्रोल जे का इस्तेमाल करें, कंट्रोल जे से शॉर्टकट हो गया हमारा, और मैंने इसकी डुप्लीकेट कर रखी है। मैं इसको फिर टू स्क्रीन कर लेता हूँ एक बार। मैं जाऊँगा इमेज में, एडजस्टमेंट में, वहीं पे मुझे जाना है ब्लैक एंड वाइट में। जाने के बाद मेरे पास जो चार्ट आ जाता है, ये हमारे रेड येलो ग्रीन सियान ब्लू मजेंटा, आपके पास ये सारे ऑप्शन आते हैं। उसके नीचे देखिए एक टिंट लिखा होगा, टिंट दिख गया आपको। अब ये अनचेक है, मैं इसे चेक लगा देता हूँ, तो मेरा टिंट में इमेज शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के बाद आप, आपके पास यू है और सेचुरेशन है, मैं कौन सा कलर चाहिए आपको यू में वो मैं आपको देख लेता। ध्यान रखना हमेशा फिर भी ऑन होना चाहिए, देखने से पहले जो भी हम काम कर रहे हैं उसका फिर भी ऑन होना चाहिए। तो मैं ये स्टाइल रखता हूँ, आपने देखा होगा वेडिंग के एल्बम में ये भी स्टाइल होता है और कुछ लोग ये भी करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, पोर्टफोलियो में भी चलता है, तो मैं ये रख रहा हूँ। सैचुरेशन आप अपने रिकॉर्डिंग रख सकते हैं कि मुझे डार्क में चाहिए, कितना चाहिए, वो आप अपने रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना डार्क में रखने का यहाँ पे पैचेस नज़र आ जाते हैं, तो हमें उस रिकॉर्डिंग चलना होता है चीज़ों को लेकर। तो मैं इतना इसमें करता हूँ, ठीक। अब ये क्या है, इसकी ब्राइटनेस पे भी काम करेगा। जैसे मैं अगर इसको इधर कर दूं, डार्क जा रहा है, इधर कर दूं, ब्राइट आ रहा है, मैं सब अंडू कर देता हूँ क्योंकि मेरे को नीचे की सेटिंग चाहिए, अभी ऊपर की सेटिंग नहीं छेड़नी, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आपके पास सेम वही चीज़ होगी, जैसे मेरे पास यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट मोड था और यहाँ ये था। ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि लेयर पे इरेज हुआ था, मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंट लेयर पे वर्क करता है। अगर मैं ये लेयर ऑन करूँगा, क्योंकि ये कलर है, इसका कलर दूसरा है, तो ये अलग वर्क करेगी। इसका ध्यान रखना कंफ्यूज ना हो कोई भी चीज़ों को लेकर के, और मेरे को इसका कलर निकालना है। सिंपली नीचे एक लेयर है, मैं चाहता हूँ कि इसमें ज्वेलरी हाईलाइट हो जाए, तो सेम वही चीज़ आपको इरेजर टूल लेना होगा। इरेजर के लिए ई पहले आता है, टॉप में इरेजर ही होता है सही में। तो मैं वही चीज़ है कि अगर मैं इरेज करूँगा, तो सेम ऐसी चीज होगी आपके पास, तो आप कोई भी चीज आराम से कर सकते हैं, कोई भी कलर को लेकर के। आप चाहते हो कि मैं इसका कलर दोबारा चेंज कर सकूं, तो आप कोई भी चीज ऐसे आराम से कर सकते हैं। ध्यान देना है कि आपको चीजों को बारीक से काम करना है। हमारा जो ब्रश होता है वो राइट क्लिक करेंगे, जो हम इरेजर टूल है, ब्रश को जब भी, हमेशा जब भी चलाएं, आप जब भी इरेजर टूल चलाते हैं उसका एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ हार्डनेस और स्केल आ रहा है। स्केल का मतलब होता है मेरा बड़ा, मैं बड़ा कर रहा हूँ, स्केल बड़ा हो रहा है। तो आप ऐसे ही सारे काम कर सकते हैं इरेजर टूल के थ्रू।
कोई भी टिंट कलर आपने लिया और उसकी आप ज्वेलरी की हाईलाइट निकालना चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा, आप उसमें ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा। ब्राइटनेस के लिए सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखें नीचे वाली जो बैकग्राउंड है उसकी डुप्लीकेट लेयर करनी होती है हमेशा, इसकी आप डुप्लीकेट लेयर जितना करके काम करोगे उतना ही आप पे कंट्रोल रहता है चीज़ों का, कि अगर खराब हो गया और कुछ हो गया तो इन केस आपके पास बैकएंड है, अंडू की जगह बैकएंड है हमारे पास, कि वो चीज़ हमसे डिलीट ना हो गलती से भी। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप काम करो सबसे पहले उसकी फाइल सेव करनी है। तो फाइल सेव के लिए आपको मैंने बताया था, फाइल में जाएंगे, सेव एस में जाएंगे, जहाँ मुझे फाइल रखनी है मुझे डेस्कटॉप पे रखनी है, मेरी क्लास है आज है क्लास 3, तो मैं बेसिक क्लास 3 डाल देता हूँ, PS क्लास 3, और इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे पास ओरिजिनल आ रहा है, मैं नाम अभी नहीं चेंज करना चाह रहा, फॉर्मेट मुझे PSD ही रखना है, तो यहाँ पे सेव, सेव पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ मेरी फाइल सेव हो गई। सेम अब मुझे JPG सेव करनी है, JPG के लिए वही है, फाइल में जाना है, सेव एस में जाना है, मेरी पहले से PSD सेव थी तो मेरा वह उसी फोल्डर में दिखाएगा, और नीचे अब फॉर्मेट चेंज करूँगा मैं, फॉर्मेट JPG आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे सेव आ रहा होगा, सेव पर मैं क्लिक करता हूँ। आपके पास ये कुछ ये सेटिंग आती है, इसमें क्वालिटी पूछता है, मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी में हमें मैक्सिमम 12 रखना होता है, और मैं इसको ओके कर दूंगा, मेरी फाइल सेव हो गई। तो आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी अच्छे से, हम इरेजर टूल से कोई भी हाईलाइट कलर कैसे निकाल सकते हैं ज्वेलरी ड्रेसेस को लेकर के। इवन हमने टिंट कलर भी देखा है कि वेडिंग में टिंट कलर कैसे डाले जाते हैं, और भी बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। क्लास थोड़ी छोटी रखी थी मैंने ताकि यहाँ तक हमारा लेवल कंप्लीट हो जाए, ताकि हम एक स्टेप और आगे बढ़ सकें। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।